सो गाइस, सामने दिख रहा होगा आपको मंदिर, ये है मंदिर। हम पहुंच चुके हैं फाइनली तुंगनाथ पे, आप लोग देख सकते हैं। पिछली बार हम समर में आए थे, इधर बुग्याल दिख रहा था और अभी वाइट बुग्याल दिख रहा है आपको स्नो का। फाइनली पहुंच चुके हैं इधर, देखो कितना प्यारे नज़ारे चारों तरफ, ये देखो क्या मस्त नज़ारे, ये देखो यहाँ से कुछ दिख रहा है नीचे भाई, उधर कहाँ कहाँ से आ गए ऊपर। नानू भाई भी ऐसे ही चल रहे हैं, पाँव देखो भाई, लो भाई कैसे अड़ा रहे पाँव, पिछले एड़ी के पाँव देखो कितने गड्ढे में डाल। सो हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और भाई हम चढ़ रहे थे चौपटा के लिए पैदल पैदल, और स्नो बहुत तगड़ी है। नानू भाई को देखो, नानू भाई हर हर महादेव भाई, ये देखो बर्फ, ये ओ भाई भाई खूब मजे आ रहे हैं। चलते हैं ऊपर के लिए, फिर मिलते हैं आपसे। सो ऑलराइट गाइस, ट्रैक स्टार्ट कर दिया है सामने, ये नीचे आपको चौपटा दिख रहा है, यहाँ पर गेट है और अभी हम निकल रहे हैं तुंगनाथ के लिए। तो कुछ इस तरीके का रास्ता है, लोगों ने छड़ी भी ले रखी है, जैकेट वैकेट पहन रखी है। भाई इतना गर्म हो रहा था ना, अभी तक तो पसीने से तर हो गए थे क्योंकि हम नीचे से राइडिंग जैकेट और उसमें आ गए और हालत ख़राब हो गई। नानू भाई क्या बोलते हो? भाई बहुत तगड़ा है, मैं तो आज स्वेटर पे जा रहा हूँ गाइस, पसीना आ रहा था अभी तो। भाई एक बार सभी लोग बोलेंगे हर हर महादेव, जरूर बोलना यार गाइस इस वाली वीडियो में, तो सब लोग हर हर महादेव जरूर बोलना। महादेव के लिए इस वीडियो का टारगेट 100 लाइक का है, 100 लाइक होनी चाहिए इसमें, क्यों क्या बोलते हो? आप लोगों का प्यार है बस बाकी तो। यहाँ से अच्छी चढ़ाई है। सो गाइज दिख रहा है आगे लोकेशन, वाओ चेक करो कितनी प्यारी लोकेशन है गाइज। ये है ना बुग्याल कह रहे थे जिसको आप, ये है भाई यहाँ बना ले तू लोग हैं, मैंने शेयर कर दिए। हाँ सो गाइज देख रहे हो कितने प्यारी सी लोकेशन में आ गए, सामने देखो कितनी प्यारी लोकेशन है, वाओ मजा आ गया लोकेशन में गाइज, चेक करो चेक करो लोकेशन, वाओ। लेकिन गाइस ट्रैकिंग करने में ना बहुत रेड लग रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। सो दोस्तों मेन पड़ाव अब शुरू है यहाँ से, ठीक है। जो नज़ारे हैं कुछ इस तरीके के हैं, देख सकते हैं आप लोग, पूरा स्नो स्नो मिलेगा आपको इधर। और धूप लग रही है, मतलब ऊपर को चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें जो प्रॉब्लम होने वाली है नीचे आने में होने वाली है। क्या बोलती पब्लिक, सीन देखो क्या सीन है यार गाइज, मजा आ गया भाई गॉड कसम, तुंगनाथ का ट्रैक ना। और अभी इस टाइम पे तो बर्फ है गाइज, और बहुत मजा आता है इस टाइम पे, तो आओ आप लोग भी, आओ इस टाइम पे जरूर आओ। और सामने का व्यू दिखा लो भाई क्या सीन है। सो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं इधर, देखो कितना प्यारे नज़ारे चारों तरफ, ये देखो क्या मस्त नज़ारे, ये देखो भाई मजा आ गया भाई। ओह हो नानू भाई आ जाओ, दौड़ के आ जाओ, एक डाइव मार दो। आओ सो गाइस, अभी चलते जा रहे हैं और नानू भाई थोड़ा आगे निकले हैं, बैठे होंगे, मैं पीछे बैठा था। और भाई चारों तरफ स्नो स्नो है ना, आंखें बंद हो जा रही क्योंकि वो स्नो वाइट है और वाइट पे ना सूरज की किरणें पड़ रही है तो रिफ्लेक्शन हो रहा है और वो आंखों में लग रहा है तो आंखें बंद हो जा रही है। तो नानू भाई बैठे हैं इधर और नज़ारे कुछ इस तरीके के हसीन। हो लव यू महादेव। सो दोस्तों हम लोग चढ़ रहे हैं चंद्रशिला के लिए, मतलब सॉरी तुंगनाथ के लिए। और मौसम अभी परिवर्तन हो चुका है, मतलब रुख बदल लिया है, कुछ इस तरीके का मौसम हो चुका है। और यहाँ से देखो किधर से आए हैं, वो नीचे से भाई, यहाँ से तो पता भी नहीं चल रहा कितनी दूर से आए। तो मैं और नानू भाई हमेशा साथ में ट्रैवल करते हैं, सही रहता है, साथ भी हो जाता है। और कुछ लोग ट्रैवल करके भी आ रहे हैं ऊपर से ट्रैक करके, तो पूछेंगे भैया लोग से कैसा है ऊपर, रास्ता कैसा है, ठीक है। तो
भैया लोग कैसा रहा ऊपर? बहुत बढ़िया रहा भाई, बहुत बढ़िया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहाँ से हो आप लोग? वो मलेशिया से हैं। अच्छा, आप? हम झारखंड से हैं। झारखंड। आप? दिल्ली। दिल्ली। तो बोलो हर हर महादेव। सो भाई, यहाँ के नज़ारे ना इतने खूबसूरत दिखा रहे हैं आप लोगों को। आप लोगों का एक फर्ज बनता है, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक, ठीक है? ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, 100 लाइक, और 100 लाइक जैसे ही पूरे होंगे तो वैसे ही है 1000 लाइक का टारगेट। तो आगे चलते रहते हैं, चारों तरफ नज़ारे नज़ारे, बर्फ ही बर्फ, क्या नज़ारे हैं भाई, वाह, अल्टीमेट। यहाँ से कुछ दिख रहा है नीचे भाई, उधर कहाँ कहाँ से आ गए ऊपर। सो चल रहे हैं अभी भी, तो कुछ इस तरीके से इस रेलिंग को पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है? और इसको ब्लैक आइस बोलते, देखो जमा हुआ है, पिघल भी रहा है, फिसलन हो रही है। नानू भाई भी ऐसे ही चल रहे हैं। हो सो दोस्तों, चढ़ते जा रहे हैं, वहाँ बैठे हैं अपने महादेव। तो करीब आधा किलोमीटर है या 800 किलोमीटर जगह 800 मीटर होगा। और भाई बहुत हालत ख़राब हो रही है, इतनी जगह तो मैं फिसल भी गया हूँ, मतलब पूरे रास्ते का ब्लॉग बनाना नामुमकिन है। क्या बोलते हैं नानू भाई? यस। और भाई ये बर्फ़, ये वादियाँ मन कर रहा सो जाऊँ, लेकिन पैंट गीली हो जाएगी इसलिए नहीं सो रहा हूँ। तो चलते हैं, और इसके बाद हम डायरेक्टली अब मंदिर पे ही मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है? दोस्तों ऑलमोस्ट हम ट्रैक को कंप्लीट करने वाले हैं, सबमिट करने वाले हैं। यहाँ से करीब 500 मीटर और रह गए हैं। नानू भाई ऊपर गए हैं दर्शन करने, छोटे छोटे टेंपल बने हुए हैं। स्नो देख लो भाई क्या है, मस्त। ये भाई जी आते हैं हमारे साथ, कहाँ से भैया आप? फ्रॉम मेरठ। ये भैया हैं मेरठ से, मेरठ से आए हुए हैं हमारे साथ ही साथ कर रहे हैं और दर्शन करेंगे और साथ में नीचे को भी जाएंगे हम लोग। नानू भाई, ओ भाई थक गया यार, बहुत लंबा ट्रैक है। हाँ चलो भाई, यहाँ से अब आगे। देखो यार हिम्मत उठाओ, चलते रहते हैं। 15 मिनट में मार दो बस। 15 मिनट ये रास्ता देख लो, कितनी मोटी आइस जमी हुई इसमें भाई, ये बहुत तगड़ी है। अभी नीचे तो बहुत तगड़ी है, रास्ते पे तो कम है। एक जंप मार दो डुबकी, जंप मार के देखो, ये देखो गाइस। सो गाइस आओ गाइस, देखो गाइस, लव भाई देखो आगे से जा रहे हैं, स्नोफॉल में बहुत तगड़ा सीन हो रहा है। ट्रैकिंग स्नोफॉल गाइस फ्रेश है, बहुत तगड़ा फ्रेश, इसमें मतलब फिसल नहीं सकते हो आप। ये देखो इसमें ग्रिप अच्छी बन जाती है, लेकिन जो ब्लैक आइस होती है उसमें आप पिघल जाते हो। तो बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो हर हर महादेव दोस्तों, फाइनली मैं और नानू भाई पहुंच चुके हैं इधर, और बड़ी मशक्कत लगी है। हर हर पीने के लिए पानी लेके आए थे, रास्ते में कुछ कुछ लोगों ने मांगा तो उन्हीं ने खत्म कर दिया। हर हर महादेव। सुबह खाया था भाई, रोटी खाई थी, उसके बाद कुछ नहीं खाया, कसम से ऐसी भूख लग रही ना, क्योंकि थकान लग रही है, बॉडी में एनर्जी नहीं है। और जब कभी आप ट्रैक में आओ तो खाने का सामान और पीने के लिए पानी जरूर लेके आए, और जरूर रखना। यहाँ बैठे अपने महादेव, हर हर महादेव। भाई ये सफ़र ना यादगार रहने वाला है, सच में अभी आँखें नम है भाई, क्योंकि जो सपना था ना वो पूरा हुआ है यहाँ आने का, भाई क्या ही बताऊँ। सो ऑल राइट गाइस, हम पहुंच चुके हैं फाइनली तुंगनाथ पे। आप लोग देख सकते हैं कपाट फिलहाल बंद है, और भैया लोग भी हैं फोटो शूट कर रहे हैं। नानू भाई इधर है, वो हमारे मेरठ वाले भैया। सो भाई सुकून है इधर वास्तव में, लेकिन अभी ना टेम्परेचर डाउन हो रहा, ठंड लग रही है तगड़ी। हाथ में देख रहे हो कैसे हो गए हाथ, ये नीचे देखो भाई यहाँ से क्या स्नो है। पिछली बार हम समर में आए थे इधर, बुग्याल दिख रहा था, और अभी वाइट बुग्याल दिख रहा है आपको स्नो का, मस्त। इस तरीके से जा रहे लोग यहाँ से शॉर्टकट नीचे की तरफ। सो गाइस सामने दिख रहा होगा आपको मंदिर, ये है मंदिर, यह मंदिर बनवाया गया है पांडवों के द्वारा, और ये भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए। सभी लोग ऑलमोस्ट इसकी कहानी जानते हैं, पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था। तो हो चुके फाइनली दर्शन, तो भाई चलें चलें एक बार मौसम देख लो भाई, यहाँ पल पल मौसम बदलता है। उधर धूप दिख रही है आपको, इधर छाया है, सामने धूप, इधर छाया, उधर धूप,
ऐसे ही चलता रहता इधर। सो फैमिली, प्यारी फैमिली, आप सभी लोगों पे महादेव की कृपा बनी रहे। फाइनली भाई यहाँ पहुँच के ना सुकून मिल रहा है। और चंद्रशिला टॉप आपका उस टॉप में है जो कि इधर से रास्ता होते हुए जाता है, बहुत टफ रास्ता है। और यहाँ से आप एक नज़र डाल दीजिए, देखिए कैसे हालात है यहाँ पे, पूरा बर्फ़ बर्फ़। सो फाइनली भाई ना पहुँच चुके थे, दर्शन भी हो गए अच्छे से और आँखें नम थी भाई आज। फर्स्ट टाइम मतलब पहले भी आए थे और आज जो सुकून है ना वो पहले नहीं था। तो नानू भाई कैसा रहा? बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस मिला। तो भाई महादेव की कृपा रही और आप लोगों का प्यार रहा ना, बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाएगी और फिर आपको हमेशा ट्रैवल ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। तो फिलहाल यहाँ से अब निकलते हैं, ठीक है। सो मेरी प्यारी फैमिली, बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत, सुकून था और मन भी था कि आप लोगों को भी एक बार विंटर ट्रैक दिखाएं तुंगनाथ का, ठीक है। यह सफ़र बहुत मज़ेदार रहा, बहुत सुकून भरा रहा। हालत डाउन हुई है गाड़ी चलाते हुए, कंटिन्यूसली गाड़ी चला रहा हूँ, अप एंड डाउन्स भी आ रहे हैं लाइफ में और हाथ में बहुत ज़्यादा पेन है। नानू भाई भी बोल रहे थे यार तुम्हारा तो पहले से ये दिक्कत चल रहा था करके, बट मेरा ये था कि यार गाड़ी चलाऊँगा लंबा, क्या पता सही हो जाए। और बाकी महादेव की कृपा है भाई, सब महादेव पर छोड़ के जाते हैं, बस महादेव का साथ चाहिए और क्या ही है भाई। पैसा वैसा तो कमा लेंगे, सब कुछ कमा लेंगे, बस महादेव का साथ चाहिए, क्या बोलते हो? हाँ मुझे भी महादेव का साथ चाहिए और बाकी आप लोग साथ दोगे तो महादेव भी ज़रूर साथ देंगे, पहले आप लोग साथ दो। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए भाई, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट। अभी हम आ गए वापस, खाने के लिए कुछ था नहीं, लो भाई ने एक बंदे से बिस्कुट मांगा, हम तो कुछ लाए नहीं भाई, बहुत दिक्कत। सो गाइस देख रहो ऐसा है भाई ट्रैकिंग रास्ता आते टाइम का। लो भाई तो पाँव उठा, पाँव देखो भाई, लो भाई कैसे अड़ा रहे पाँव, पिछले एड़ी के पाँव देखो कितने गड्ढे में डाल दे रहे हैं, देखो दिख रहे गड्ढा, बहुत तगड़ा सीन है। कैसा हो रहा है लो भाई? बहुत खतरनाक है ट्रैकिंग, तो देखो सफर भी है जरूरी है, सफर भी करना जरूरी है, घर भी देखना है, जिम्मेदारियाँ भी हैं, गल हमें कल वापस भी जाना है, अभी फिर भी जाना है 300-400 किलोमीटर का कंटिन्यूसली ड्राइव कर, ड्राइव करना है। हाँ सही बात भाई, बोल रहे तो भाई फेस क्यों उतर रखा है? मैंने तो बोल दिया सुबह से फेस क्यों उतर रखा, क्योंकि गाड़ी ना आज हम बहुत पैदल आए, क्योंकि ना जहाँ स्नोफॉल बहुत नीचे रोड में हो गया था तो रोड में गाड़ी नहीं आ रही थी, आपने देखा होगा पिछले ब्लॉक में पहिया घूम जा रहा था। नीचे को दिखा दो और फिर मिलेंगे लास्ट में रोड में, ये देखो क्या वेदर है। तो भाई आप मिलेंगे नीचे भाई, देख लो डरावना सीन है, जाते टाइम का तो तगड़ा सीन हो रहा है भाई, धूप ने साथ दिया अच्छा है जरा। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं चौपटा, और जो यहाँ की सबसे बुरी बात लगी ना वो ये लगी, यहाँ पर लोगों से इस तरीके से पैसा लिया जा रहा है। अब ये कौन ले रहा है कुछ पता नहीं, ना पर्ची ना कुछ सिस्टम, और जबकि हमारा धार्मिक स्थल है भाई, हिंदू देख लो ये होता है भाई, गुरुद्वारे में साला खाना तक फ्री मिलता है सब लोग, और अपने धर्म में लोग ऐसे पैसा लूट रहे हैं। आप लोग बताना कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है गलत, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो गलत है, क्या बोलते हो? मेरे उससे भी गलत ही भाई, दो बंदे ऊपर जा रहे 400 रुपए ले रहे हो तुम उनसे, 600-600 रुपए ले रहे हो, बहुत गलत। जगह पे जा रहे हैं हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं और वहाँ पर जाते टाइम तुम पैसा लो स्टार्टिंग में, तो गलत है ना। अगर हम पर्यटक स्थल में जाते कहीं जाते इस टाइप से तो आप तब तो सही जाते, तब आप कह ले सकते थे, तब आपका सही बनता है लेना, तो ये गलत है। तो फिलहाल पहुँच चुके हैं, अब मिलेंगे बाद में। गाइस फाइनली भोले बाबा की कृपा से इधर पहुँच चुके हैं जहाँ अपनी गड्डी खड़ी थी, और ये देखो पूरा स्नो है इस क्षेत्र में। तो आज का ये ट्रैवल अच्छा रहा, मस्त रहा, थोड़ा सा थकान हो गई, भूखे प्यासे रह गए ज़्यादातर, सुबह ही नाश्ता किया था और कल रात तो हम खा ही नहीं पाए थे भाई, उस बंदे ने इतना गंदा खाना खिलाया था ना हमें, मतलब गढ़वाल साइड में, गढ़वाल में मतलब ना खाने की आपको मोस्टली दिक्कत होती है भाई, ये लिख के ले लो आप। मैं हम पहले भी आए थे तब भी ऐसी हुआ था, अभी आए थे तब भी ऐसी हुआ था, कुछ कुछ लोग सही खिला देते जैसे सुबह अंकल ने खिलाया घर वाला खाना। बाकी नानू भाई चले यहाँ से, चलते हैं, थकान लगी है। सो गाइस अभी यहाँ से निकल रहे, मिलेंगे आप बाद में, मन करेगा रिकॉर्ड करेंगे, नहीं मन करेगा तो रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे, तो मिलेंगे लेकिन बाद में। सो गाइस वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है, अभी देखते हैं हम कहां तक पहुंच सकते हैं, ऑलमोस्ट अंधेरा तो हो ही चुका है और ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा आगे चले जाएं, बाकी कल का प्लान कल बताएंगे, अभी हमने कुछ डिसाइड नहीं करा है, कोई प्लान नहीं था, ये हमारी ट्रिप भी प्लान नहीं थी। अचानक से मैंने नानू भाई को कॉल करा, मेरी छुट्टी है आप चल रहे हो? तो नानू भाई ने कहा ठीक है मेरे दुकान की ओपनिंग है उसके बाद चलेंगे, तो हम अचानक से आ गए, कोई प्री प्लान ट्रिप नहीं था हमारा ये। सो ऑल राइट गाइस, अभी हो चुका है 9 o'clock और आज हम पहुंच चुके हैं दिलमीधार करके जगह है उससे पहले, और ये पड़ता है अपना ऊखी मठ से पहले पहले मतलब उस साइड में, तो यहाँ पहुंच चुके हैं, आज का स्टे इधर है और कल का नानू भाई बोल रहे हैं कि घूमने जाएंगे। सो देखते हैं कल का क्या है। नानू भाई देखो उधर कैसे मस्त करके वीडियो कॉल में चले भाई,
ऐसे भाई ऐसे तो क्या कहते हैं, आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। और आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा भाई, कितना प्यारे नजारे थे सच में ना। इधर बसा के लाए हैं इधर के और इधर जन्म जन्मांतरों के लिए, तो गैलरी में नहीं रखने वाले हैं इन चीजों को। क्यों इधर बसा रखे नानू भाई, कहाँ बसा रखे हैं, इशारा कर दो जरा इधर। ये आंखों में कैद करके लाए हैं भाई, कितना मेगापिक्सल का होता है हमारा कैमरा आंखों का, हमारा तो बहुत मेगापिक्सल का है भाई, DSLR को मात देता है हमारी आंखें। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड, बाय बाय।